की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बजट देश के लिए होना चाहिए, देश के भविष्य के लिए अच्छा होना चाहिए और हर गरीब भाइयों के लिए अच्छा होना चाहिए, किसान के लिए भी अच्छा होना चाहिए। आम जनता इस समय बहुत परेशान है। वो लोकसभा में जो बजट के हिसाब से गरीब लोगों को जो महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, हर चीज़ का जो बजट है, कॉमन से कॉमन करना चाहिए और आने वाले जो महंगाई है उसके ऊपर तो थोड़ा सा नज़र रख के बजट का जो ऐलान करना चाहिए। थोड़ा बजट में सब जनते का विचार करके बजट बराबर, मतलब ये सब महंगाई ये सब कम होना चाहिए, डीजल का, गैस का, सब्जी का, मार्केट का, इधर उधर जो भी है सब सभी जगह का भाव जो है महंगाई कम होना चाहिए। उम्मीद तो करेंगे सरकार से कि इस बार कुछ रियायत मिले हम लोग को। दरअसल मार्केट में हम लोग सेलिंग करते जो अपना बीज अनाज जो भी, तो कुछ फ़ायदा नहीं समझ में आता, लागत लग जा रही है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा इस बार। पानी की सुविधा भी नहीं हो पा रही है पूरी तरीके से, ट्यूबवेल भी थी तो ट्यूबवेल भी बंद हो चुकी है कई ट्यूबवेल, सरकार उसको मरम्मत भी नहीं करा पा रही, मरम्मत कराए तो फिर हम लोग किसानों को रियायत मिले। तो लोगों को आपने सुना, ये मध्यम वर्ग के लोग हैं, कुछ गरीब तबके से भी हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट बातें वो कह रहे थे। वे कह रहे थे कि देखिए हमें क्या चाहिए, हमारी जेब कम हल्की हो, हमें सुविधाएं मिले, मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिले, महिलाओं को उनका हक मिले और गरीब जो हैं उनका कुछ भला हो और जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनके बारे में भी सोचे, ऐसा उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट से। उधर रांची की अगर हम बात करें तो लोग बजट को लेकर क्या कह रहे हैं जरा ये भी देखिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अधिकांशतः जहाँ तहाँ रेल दुर्घटना हो रही है उस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। और दूसरी बात, अब जो जनरल हम लोग को नॉर्मल जो क्लास का आदमी आते हैं उनके लिए जो जनरल कोचेज हैं अभी कम कर दिए सरकार, देखेंगे एसी बहुत कम लोग हैं एसी में चलने वाले, जो लेबर क्लास हैं चाहे जनरल क्लास हैं। जनरल बोगी जो आम लोगों के लिए है, जनरल बोगी या तो एक है या दो है, तो एक आगे एक पीछे है, उसमें भी लोग पूरा भेड़ बकरी की तरह जा रहे हैं, इवन की टिकट भी ले रहे हैं फिर भी सीट नहीं मिल रहा है, सीट तो मिलने का दूर की बात है, खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं। तो रेलवे से यही है कि उम्मीद कि कम से कम एटलीस्ट दो दो चार बोगी कर दे ताकि आम लोग उस पर अच्छे से ट्रैवल कर सके। रेलवे में तो बहुत बदलाव चाह रहे हैं, स्लीपर कोच को घटाते जा रहे हैं, जनरल कोच को घटाते जा रहे हैं, एसी को बढ़ाते जा रहे हैं, आम जनता कहाँ जाएगी। और आइए सीधे रुक करते हैं, मेरे सहयोगी अमित पांडे अब राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। अमित कुछ ही देर में निकलेंगी अपने मंत्रालय से निर्मला सीतारमण और राष्ट्रपति से मिलने के लिए आएंगी और जाहिर बात है वहां पर भी एक औपचारिकता होती है, उसे भी निभाना होता है, इसलिए वित्त मंत्री वहां पहुंचेंगी। और अभी हम रांची के लोगों की बात सुना रहे थे, उन्होंने खासतौर पर पहले वो बीते दिन की बात हो गई जब रेल बजट अलग से आया करता था, तो रेल बजट कैसा होगा इस पर भी नजर रहेगी, क्या कुछ उसमें मिलने वाला है उस पर भी लोग टकटकी लगाए देखेंगे सुनेंगे वित्त मंत्री। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक आपने रेल बजट की बात की तो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मोदी सरकार का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और इसको लेकर तमाम जो ट्रैक है वो घोषित हुए हैं। कुछ और नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की घोषणा होगी, ये बात लगभग तय है, न्यूज 18 इंडिया इस खबर को कंफर्म करता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो जैसा कि रांची के लोग कह रहे थे, वेटिंग लिस्ट का होना ट्रेनों में बहुत ज्यादा, 80 सीटें होती हैं, 500 से 600 वेटिंग लिस्ट होना, और खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेटिंग लिस्ट की सूची को खत्म करने की बात 2-3 साल में कही है। तो कैसे सरकार इस योजना की ओर आगे बढ़ेगी इस पर अहम घोषणा हमें देखने को मिलती है। तीसरी चीज, ट्रेन एक्सीडेंट जो पिछले 2 महीनों में 3 से 4 ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, कैसे सरकार ये मैटर ऑफ कंसर्न है पंकज, और कैसे सरकार सिग्नल सिस्टम के इंप्रूवमेंट को, ट्रैक पर जो ट्रेनों का परिचालन हो, और सबसे बड़ी चीज जब हादसा हो जाए तो कैसे रेल से संबंधित जो मेडिकल एड फैसिलिटी से तुरंत मौके पर पहुंचे, यात्रियों की जान बचे, तो उसके से संबंधित एक अहम घोषणा यहां पर हो सकती है। तो बहुत जरूरी चीज जो अभी रांची के से जो लोग बोल रहे थे ट्रेन से सफर करने वालों के लिए, और इन बातों को सरकार ने ध्यान में रखा है, बकायदा बैठकें हुई हैं, 3 से 4 महीने तक विस्तृत बैठकें हुई हैं, और इन सारी चीजों पर एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से वित्त मंत्री घोषणा करेंगे। बिल्कुल, और रवि इतना आसान इस बार नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास एक अच्छा खासा नंबर है और जिस तरह से हम तेवर देख रहे हैं विपक्ष के, तो आज भी जब बजट पेश हो रहा होगा तो हंगामे के पूरे पूरे आसार है। बिल्कुल, उसकी उम्मीद की जा सकती है और आशंका इसी बात को लेकर है कि पिछले जो पार्लियामेंट का सेशन था
उस दौरान भी काफी हंगामा हुआ था और एक बार आपको याद होगा कि पूरा का पूरा पूरे के पूरे विपक्ष ने वॉकआउट तक कर दिया था और उस दौरान प्रधानमंत्री की स्पीच भी लगातार चल रही थी और पूरा विपक्ष पार्लियामेंट के सदन से बाहर था। दौरान मैं वित्त मंत्रालय की भी तस्वीरें दिखाऊं, कैमरा पर्सन राकेश ने भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जमावड़ा है और खास करके इस बार एजुकेशन के सेक्टर में जिस तरीके से सरकार को लगातार जवाब देना पड़ा है और विपक्ष हमलावर रहा है परीक्षाओं को लेकर, उसको लेकर भी इस बजट में लगातार विपक्ष की तरफ से ये डिमांड की गई थी उस पर चर्चा होनी चाहिए और खास करके चर्चा होनी चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए। हेल्थ का सेक्टर है वो नॉर्मल है, उसमें कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, लेकिन किसानों को लेकर विपक्ष लगातार वो सवाल उठा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, उनकी खेती का जो प्रोडक्शन है वो उसमें सरकार को सोचने की जरूरत है क्योंकि बिचौलियों की वजह से किसान के खाते में और किसान के हाथ में। ठीक है रवि, किसानों का जिक्र कर रहे हैं, मैं लौटूंगा आपके पास जब निर्मला सीतारमन बाहर आएंगी। प्रशांत, जो बात अभी रवि कह रहे थे, किसान कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बजट से, जरा बात करिए। बिल्कुल पंकज, और सबसे खास बात यह होती है कि किसानों का आरोप यह होता है कि एसी रूम में बैठकर के बजट तैयार करते हैं, हालांकि उसमें विशेषज्ञ होते हैं उस विधा से जुड़े हुए, लेकिन अगर लूपहोल्स पता करना है तो ग्राउंड पर आना पड़ेगा, फील्ड में आना पड़ेगा, जैसा कि हम आए हैं मुजफ्फरनगर में। दादा, किसानों की आय बढ़े इसके लिए सरकारें लगातार कोशिश करती है, आपको लगता है किस बात की दिक्कत आती है कि ऐसा करने में और हम आगे कदम नहीं बढ़ा पाते? भाई हमारा जो पैसा और जो दवाइयों में उसमें जाए तो सारा बर्बाद, हम की बर्बाद होने लग रहे, दवाई तो नकली बन रही है, उसमें तो सरकार कोई ध्यान नहीं देती, ये कितनी नकली बना लो और पैसा लूट लो। इसकी शिकायत होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, कार्रवाई तकड़ी फांसी होनी चाहिए उसे। नहीं, लेकिन अब जो किसानों की आय की बात है कि किसान की आय बढ़े, उसकी उपज को और कीमत मिले। हाँ अच्छा, नहीं वो फसल तो बीज तो अच्छे अच्छे जाओ, यही है। अब मान लिया हमारे यहाँ तो कोई गन्ने का ही वो है, हम तो गन्ना बोए ज्यादातर, अब गन्ने के कई बीज अच्छे अच्छे हों तो हमारी उपज और सही होगी और वो होगा, और नहीं तो ये जो दवाई जो नकली आ रही और हमारा पैसा नहीं जा रहा, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा, तो हमें नुकसान नहीं हो रहा है सारा, कुछ सारा नुकसान है, हम तो घाटे में जाते हैं। बहुत सी ऐसे बिंदु हैं, कुछ और लोग हैं, जैसे एक एक अहम बात है कि किसान की उपज बढ़नी चाहिए, विकसित भारत का ये बजट होगा, इस दिशा में किसान पर खास ध्यान होगा, लेकिन आय बढ़े जब उनकी उपज महंगी बिकेगी तो दूसरी ओर से ये आवाज़ उठ सकती है कि महंगाई बढ़ रही है, कैसे संतुलन बनेगा, क्या आप सोचते हैं? ये संतुलन बन ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी लागत तो बढ़ती जा रही, रेट हमारे बढ़ नहीं रहे, रेट हमारे घटते आ रहे हैं हर साल, उपज मतलब जिस तरह हम लागत दे रहे मजदूर हमें नहीं मिल रहा, वो बहुत महंगा। अब गन्ने की बंधाई थी 400 था पिछले साल, हमको 450 मांग रहे बंधाई का, छुलाई के 40 रुपये थे, हमको 50 रुपये मांग रहे, तो कैसे हमारी आय बढ़ कैसे जाएगी, हमारी तो घट रही, हमारी तो घट रही, बढ़ रही, हम नहीं बढ़ पा रहे। ये कुछ लोग और हैं जो बता रहे हैं कि इसका उपाय क्या हो सकता है। आय दुगुनी मैं बताऊंगा किसान की कैसे होगी, माननीय प्रधानमंत्री ने फार्म मशीनरी बैंक योजना चलाई, उससे आय दुगुनी हो सकती है। समूह के रूप में आप पात्रता की जांच जब कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता है, उसकी फोटोग्राफी उसकी सेल्फी के साथ उसके डॉक्यूमेंटली जांच होनी चाहिए कि किस व्यक्ति को आपने दी, कि पात्रता के दायरे में था या नहीं था, लघु सीमांत था, क्योंकि आय दुगुनी करना गए 10 लाख रुपए अनुदान दिया, 10 लाख में आपको उसको यंत्र मिल गए, ट्रैक्टर मिल गया, 8 लोगों के समूह ने उससे तेल गेर के जुताई करी, उसका खर्च कम आया, उससे जुताई उसकी होगी, जो 400 रुपये बीघा ले रहे हैं उसका 100 रुपये में काम, तेल 200 रुपये के तेल में काम हो गया तो 200 रुपये की बचत होगी। ऐसी उसने बीज खाद जो होते हैं उसके गन्ने के जो बीज होता है, अच्छी अच्छी वैरायटी गवर्नमेंट निकाल लें, अच्छी अच्छी बीज निकाल लेगी तो हमारी जो उत्पादकता है वो हमारी अच्छी जो रिकवरी जो आएगी गन्ने की, अच्छी बीज जो आएगी। अब 38 जी हमारा 238 है तो उसमें गन्ने में इतना कीड़ा लगे, हम दवाई गिरते थे, नकली दवा कहाँ लगे रहे। जो आधुनिक खेती के लिए भी कुछ नया करने की जरूरत है, ताकि बीज अगर नहीं अच्छे बीज हमें देंगे, अच्छी उपज हमारी होगी, हमारा एवरेज अच्छा निकल आएगा, तो जो हम लागत लगा रहे हमें उम्मीद जगेगी कि हमारी फसल में अच्छा प्रॉफिट अगर आएगा तो फार्म मशीनरी से तो हमें लाभ मिलेगा, यंत्र मिलेंगे फ्री में गवर्नमेंट से, तो हम संसाधन का भाव की कमी। ये इस तरह के उपाय जमीन से ही पता चल सकते हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं। दादा, इस तरह की जो भी बात सामने आ रही है कि आखिर किसान का भी बिजनेस जो है वो फायदे का बिजनेस बने, क्या ऐसा किया जा सकता है? बजट आने वाला है, पहला क्या था, आवारा पशु नहीं थे? आवारा पशु की तादाद इतनी बढ़ गई, पहला क्या था, किसान जो अपने खाने के लिए सब्जी धान उड़द सब चीज़ लगा लेता था, अब क्या है, आवारा पशु इतने बढ़ गए कि किसान को हर सामान मोल लाना पड़ रहा है, मोल लाना पड़ रहा तो महंगाई बढ़ती जा रही, और हमें तो किसान तो सरकार से उम्मीद यही थी कि भाई कुछ सोचोगी, लेकिन कम सोच पा रही जितनी उम्मीद थी।
तो अब महंगाई की भी बात किसान कर रहे हैं कि आखिर उन्हें भी कुछ सामान खरीदना पड़ रहा है, कैसे ये ठीक होगा? क्योंकि जो रिपोर्ट तैयार की गई आर्थिक समीक्षा में वी अनंत नागेश्वर ने भी इस ओर बड़ी चिंता जाहिर की है, इसे सुधारने की ओर बहुत अहम कदम उठाने की बात की ओर इशारा किया गया है। आप जमीन पर कैसे देखते हैं, कैसे ये ठीक होगा? ये लागत के हिसाब से फसल के दाम बढ़ने चाहिए। लागत भी तो बढ़ रही है हमारी। अच्छा, फिर दूसरी ओर अगर ये फसल महंगी बिकने लगी तो जी अब जब चीनी का रेट 45 हुआ, ठीक है, किसान का पेमिट आ गया, चलो कि हम तो खुश हैं भाई, हमारा पेमिट आ गया। जब प्रशांत मैं लौटता हूँ आपके पास, किसानों से आप लगातार बात करते रहिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अमित पांडे, वो है शेयर मार्केट पर भी सबकी नजर रहने वाली है आज। जी बिल्कुल, शेयर मार्केट को लेकर और पंकज, इससे पहले कल जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ था उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज से मुख्य जो नागेश्वर जिनका जिक्र कर रहे थे प्रशांत, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अति उत्साह वाली जो अटकलें हैं जिससे शेयर बाजार प्रभावित होता है, जिससे प्रभावित होकर निवेशक अपना पैसा डालते हैं, उन अटकलों से बचे, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए निवेशक है वो शेयर बाजार में पैसे डाले। तो ये चीज बहुत इस ट्रेंड के प्रति आगाह किया है, तो शेयर बाजार जाहिर सी बात है कि इस पर नजर रहेगी। लेकिन सरकार ने इस नए ट्रेंड को उजागर किया है और निवेशकों को आगाह किया है, तो नजर सबकी रहेंगी। अब देखना है कि किस तेजी के साथ बढ़ता है या क्या असर होता है इसका बजट पर। बिल्कुल, और रवि कुछ देर बाद वो तस्वीर आप दिखाएंगे जब वित्त मंत्री निकलेंगे राष्ट्रपति भवन के लिए, लेकिन जरा ये बताइए कल प्रधानमंत्री ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि जो हमने गारंटी दी है उन्हें धरा में उतारने का वक्त है, धरातल पर उतारने का वक्त है, उस पर फोकस। रवि बिल्कुल सही कहा पंकज, बिल्कुल सही आपने कहा, और इस दौरान मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूँ, और इस दौरान आपने जो सवाल ये पूछा और प्रधानमंत्री का जिक्र किया उसका भी जवाब देना चाहूँगा कि किस तरीके से अब यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका और किसी भी वक्त वित्त मंत्री बाहर निकल सकती हैं। दूसरा सवाल ये जो आपने पूछा, प्रधानमंत्री की बात उन्होंने जिक्र किया कि उसको धरा पर उतारने का वक्त आ गया, क्योंकि देखिए चुनाव तो खत्म हो गया, अब अगले 5 साल के बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो चुनाव के बाद ये पहला पूर्णकालिक बजट पेश होने वाला है अब से थोड़ी देर के बाद में, तो सरकार के सामने ये चुनौती है कि इस दौरान, क्योंकि चुनावी तमाम जो ऐसी घोषणाएं होती है, मैनिफेस्टो जिसमें पार्टी की तरफ से जारी हुई थी और रैलियों में जो प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार घोषणाएं हो रही थी कि क्या क्या सरकार का विजन है और किस किस वर्ग को सरकार का काम करने जा रही है, उसको अब इंप्लीमेंट करने के का वक्त आ चुका है। तो अब नजर इस बात पे है कि कब वित्त मंत्री बाहर आएंगी अपने दफ्तर से और रवाना होंगी राष्ट्रपति भवन के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, अमित पांडे भी राष्ट्रपति भवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस खबर पर कुछ ही देर बाद बजट पेश करेंगे, 11 बजे का वक्त है, उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।